ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। मैं वेद पंडित आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको सूर्य देव से जुड़ा एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे यदि आपने हमारे बताए द्वारा विधि अनुसार कर लिया तो दोस्तों विश्वास मानिए आपके जीवन के सारे संकट दुख कष्ट दूर हो जाएंगे और इसी के साथ आपको अपने जीवन में अपार सफलता भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़ें हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, क्योंकि हम अपने चैनल पर हर दिन आपको ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिले और आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएँ। दोस्तों सूर्य देव एक ऐसे देवता हैं जिन्हें कलयुग में भी साक्षात देखा जा सकता है। अगर सूर्य देव ना हो तो यह दुनिया अंधकार में डूब जाए। दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपको रविवार के दिन करनी है और आप हर दिन भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप रविवार के दिन से शुरू करें, सुबह उठें, नहाए धो के पवित्र हो जाएं, उसके बाद अपनी पूजा करें और आप उसके बाद जो है एक तांबे के कलश में या लोटा जो आप कहना चाहें उसमें आप जल भर लें, साफ सुथरा जल, उसमें आप गंगा जल मिलाएँ और उसमें आप चावल यानी अक्षत मिलाएँ, कुछ गुड़हल का फूल डालें और इसी के साथ उसमें थोड़ा कुमकुम भी डालें और उसके साथ उसमें मिश्री भी दो से चार दाने डालें और उसके बाद आप ऊपर अपनी छत पे जाएं और सूर्य देव को यह जल चढ़ा दें। दोस्तों याद रखें यह जल सूर्य देव को चढ़ाते वक्त आपको यह दो मंत्रों का उच्चारण करना है, एक तो ओम सूर्य देवाय नमः, पाँच बार आप ये मंत्र उच्चारण करें और आपके जो हाथ हैं वो आपके शरीर से ऊपर रहने चाहिए क्योंकि जल जो है वो आपकी सर की ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई से गिरना चाहिए और इसी के साथ पांच बार आप ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस् धीमहि धियो यो न प्रचोदया यानी गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करें। आपको ये दोनों चीज़ें करनी हैं और उसके बाद आपको जो है जल अपना जो सूर्यदेव का जल था उसे आपको जो है छः बार अपनी उंगली से टच करके यानी छू के अपने मत्थे पर लगाना है और सातवीं बार उसका जो है तिलक लगा लेना है उस जल का अपने मत्थे पे। इससे क्या होगा दोस्तों आप बहुत प्रभावशाली बन जाएंगे। अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए, परीक्षा के लिए, तो लोग जब आपको देखेंगे तो वो आपके बिना कुछ कहे आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे यानी उस जो है आपसे प्रभाव से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आपको अपार सफलता भी मिलेगी और यदि आपके कोई काम विघ्न बाधा हो में आ रहे थे या बनते थे बिगड़ जाते थे उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों इसी के साथ यह तो आप हर दिन करें जो हमने आपको बताया जल चढ़ाने का सूर्यदेव को, शुरुआत रविवार से करें। इसी के साथ आप रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे चार मुखी दीपक जलाएं घी का, तो दोस्तों वह भी बहुत बेहतर होगा। उससे भी अगर आपके कामों में कोई अड़चन विद्वान रुकावट आती थी वह दूर हो जाएगी और यह उपाय करने से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद और इसी के साथ पीपल के पेड़ के नीचे चार मुखी दीपक जलाने के बाद आप अपनी इच्छा जो है वो जरूर मांग लें, वह बेहद ज़रूरी है दोस्तों। और इसी के साथ रविवार के दिन हो सके तो लाल रंग का और तांबे के बर्तनों का आप दान भी दे सकते हैं जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को। इससे भी अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो वह सब समाप्त हो जाएंगे और सूर्य देव आपका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा और आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। दोस्तों इस साधारण सा सुनने में लगता है उपाय लेकिन इसका फल असाधारण है, आप खुद करके देखें आपको खुद इसका फल मिल जाएगा। दोस्तों लेकिन याद रखें कर्म ही प्रधान है, तो अपने कर्म करिए और सूर्यदेव पर भरोसा बनाए रखिए, आपको आपके जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होगी। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।